दुनिया का हर एक ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सन, चाहे वह महात्मा गांधी हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन सभी के पास एक विजन था। वो उसे देख नहीं सकते थे, फील भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये विजन उनके दिमाग में इस तरह से बैठ गया था कि वो उस फ्यूचर रियलिटी में जी रहे थे। चलिए आप बताइए, क्या आप अपने उस फ्यूचर में बिलीव रखते हैं जिसे आपने देखा नहीं है या एक्सपीरियंस ही नहीं किया है अपने सेंसेस के थ्रू, लेकिन ब्रेन के लेवल पर वो आपके फ्यूचर की रियलिटी इतनी बार हो चुकी है कि अब आपको लगता है कि वो आपकी एक रियलिटी है। न्यूरोसाइंस की लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि आपके ब्रेन की थिंकिंग को पास्ट से फ्यूचर में बदल सकते हैं और आप अपने विजन को इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं कि अपने सारे सुख चैन को छोड़कर बस उस विजन गोल को पाने की चाहत में लग जाए। इनफैक्ट एपिजेनेटिक पर रिसर्च बताती है कि केवल आप अपने थॉट से अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। फ्रंटल लोब जो ब्रेन का क्रिएटिव पार्ट है, उसके ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्शन होते हैं और जिस पर्टिकुलर मोमेंट आप खुद से कहते हैं एक लीडर बनने की फीलिंग कैसी होती है या फिर सक्सेसफुल होना क्या फीलिंग देता है या फिर मेरा विजन गोल सच हो गया तो, जैसे ही आप ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि अब फ्रंटल लोब एक्टिवेट है और क्योंकि यही आपके ब्रेन का बॉस है तो ये उन एक्सपीरियंसेस को न्यूरॉन्स के नेटवर्क से सेलेक्ट करना शुरू कर देता है जिसे आपने सीखा है। ऐसा करके ये आपके ब्रेन के सभी नेटवर्क्स को जोड़ता है और ब्रेन को मजबूर करता है कि वो न्यू सीक्वेंस या न्यू पैटर्न्स में सोचे, और जैसे आप डिफरेंटली सोचना शुरू करते हैं आप माइंड को चेंज करने लगते हैं। जैसे ही वो न्यूरॉन्स काम करते हैं आपके माइंड में आपके विजन की एक पिक्चर बनने लगती है और वो लोग जो अपने विजन और अपने थॉट्स को लेकर पैशनेट हैं वो एक एलिवेटेड इमोशन क्रिएट करते हैं, वो इंस्पायर्ड फील करते हैं और अचानक वो अपने इंटेंशन को एलिवेटेड इमोशंस के साथ कंबाइन करते हैं। यही बात हमारे रिसर्च में बार बार प्रूफ की गई है। हम सभी के सभी इंटरनली चेंज होते हैं। आप सभी अपनी नेगेटिव चॉइसेस को बदलने लगते हैं जो आप अभी तक कर रहे थे, अपनी ओल्डर सेल्फ को न्यू सेल्फ से सेपरेट करने लगते हैं जो ये दिखाता है कि अब आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग खत्म हो गई है, अब आप खुद को लेकर कॉन्शियस हैं। हाँ, हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हो, काफ़ी बार आपने विक्टिमाइज फील किया हो और यह आपने अपने आप में कुछ इस तरह से बैठा लिया हो कि ये सब आपके लिए नॉर्मल लगे, लेकिन अचानक आप खुद से कहते हैं अब मैं ये पुरानी लाइफ नहीं जीऊँगा। आप स्टार्ट भी करते हैं लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। हो सकता है आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें, थोड़ी अनसर्टिनिटी फील करें, पर आप ठान लेते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट से ही आप अपने आप को न्यू सेल्फ की तरफ ले जाते हैं। हम इसे स्टेपिंग इनटू रिवर चेंज कहते हैं। हम कह सकते हैं कि नॉलेज माइंड के लिए है और एक्सपीरियंसेस बॉडी के लिए। और जैसे ही आप लीडरशिप या सक्सेस के बारे में सोचते हैं आप एक इमोशन जनरेट करते हैं और आपके इमोशन ही आपके लिए एक्सपीरियंस है केमिकल फॉर्म में। जिस मोमेंट से आप ये इमोशन फील करते हैं आप अपनी बॉडी को और केमिकली माइंड को पढ़ना सीखते हैं। दुनिया के सभी ग्रेट लीडर्स इसी एक्सपीरियंस को रिप्रोड्यूस करने में लगे रहते हैं और आप भी जितना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस रिप्रोड्यूस करेंगे आप अपनी बॉडी और माइंड के लेवल पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप अपने थॉट्स के प्रति फैमिलियर हो जाते हैं, अपनी अनवांटेड हैबिट्स को पहचानने लगते हैं तो यू आर चेंजिंग। अगर आप अपने इमोशन से फैमिलियर हैं और पास्ट के उन एक्सपीरियंस को छोड़ने के लिए तैयार हैं और आप खुद से कहते हैं मैं क्या बनना चाहता हूँ, किस तरह के थॉट्स को मैं अपने माइंड में चाहता हूँ, तो यही बिहेवियर्स को रेगुलेट करने की और प्लान करने की एक सोच है। यही आपको कंडीशन करेगी आप क्या करना चाहते हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं। ये मेंटल रिहर्सल एक्चुअली आपके ब्रेन में सर्किट इंस्टॉल करती है कि आप उस एक्सपीरियंस को रियलिटी ऑफ फ्यूचर में विजुअल्स को महसूस करें जो होने वाला है। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।